मदरसा पहुंचे संघ प्रमुख ने छात्रों से लंबी बात की है। संघ प्रमुख ने मदरसे के छात्रों से कई सवाल पूछे। छात्रों से भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछा। छात्रों के साथ भागवत ने मदरसे में नारे लगाए, वंदे मातरम और माधरे वतन जिंदाबाद के नारे लगाए। छात्रों ने बताया मदरसे में इंसानियत सीखने आते हैं। भागवत ने कहा कि सारे धर्म का अंतिम रास्ता एक है। भागवत ने यह भी कहा सभी धर्म प्यार और सौहार्द का संदेश देते हैं। विद्यार्थियों के साथ बातचीत में उन्होंने पूछा, पहला सवाल ये पूछा छात्रों से सब मदरसे के कि अपने देश के नाम कौन कौन से हैं, अनेक नाम हैं, कौन कौन से हैं। तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, उनका अभी तीन ठीक है, फिर कभी आगे पूरी सूची को सुनेंगे, चर्चा करेंगे, अभी तीन ठीक है। तो ये उन्होंने बताया। उनका अच्छा, अपने चारों तरफ देश की सीमाओं में कौन सी हमारी सीमाएँ कौन हैं। तो एक तरफ उन्होंने प्रोविंस भी गिने भारत के, हिमालय भी बताया, भाई हिमाचल है, उत्तराखंड है, ऐसे सब हैं, तो उधर हिमालय है। दूसरी तरफ जो है केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, तो पर वो उधर सागर है, तो इधर भी है पाकिस्तान है, उधर बांग्लादेश ही नहीं है, तो म्यांमार अलग और समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर, ऐसे बताते बताते ये अपना देश है। तो स्वाभाविक रूप से देश से क्या होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए। तो इसलिए ये करते करते फिर किस किस प्रदेश के यहाँ बालक पढ़ते हैं, तो वो चर्चा होते हुए आया कि अपने देश भारत को जानना और उसके साथ लगाव होना, ये हमारा ज़िंदगी में एक मकसद होना चाहिए। और इस प्रकार से ज़िंदगी के इस मकसद की चर्चा उन्होंने उनसे की कि हमने भारत का बनकर रहना और भारत को जानना अच्छी तरह से, ये करना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि यहाँ इतनी बड़ी तालीम लोगे आप लोग, तो क्या बनोगे, क्या करोगे आगे। तो एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दूसरे बच्चे ने कहा मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तीसरे ने कहा कि हम तो यहाँ पर नेक बनने के लिए आए, भला करेंगे और भला करने के लिए लोगों के अंदर बात करेंगे, हम भले बने और लोगों को भले रास्ते पर चलने के लिए कहें। तो ये सारा करते करते में तो चर्चा में ये फिर एक बिंदु आया कि भला करना और भला करवाना और सबके साथ भला करना, यही जन्नत का रास्ता है। इसलिए भला करना, भला बनना जन्नत का रास्ता है, और वो सबके लिए।